हेलो एवरीवन, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो जन्माष्टमी के बाद कृष्ण छठी कब मनानी है? तो जन्माष्टमी के छठवें दिन यानी भगवान के जन्म के छठवें दिन जो है ना कृष्ण छठी मनाई जाती है, जिसे लड्डू गोपाल की छठी भी बोलते हैं। तो आपको ये छठी आप कब मनानी है? तो 31 और 1 तारीख को जो है ना छठी मनाई जाएगी। तो आपने जिस हिसाब से जन्माष्टमी मनाई है तो उसी हिसाब से छठवें दिन जो है ना आप कृष्ण छठी मनाएं, यानी लड्डू गोपाल की आपको छठी मनानी है। वैसे शास्त्र अनुसार देखा जाए तो 1 तारीख की जो है ना छठी मनाई जाएगी। तो फिर आप अपने हिसाब से छठी का जो प्रोग्राम है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप लोग मुझसे पूछोगे, दीदी आप छठी कब मनाएंगे भगवान की? तो मैं जो है ना 1 तारीख यानी रविवार को कृष्ण छठी मनाऊंगी, क्योंकि शनिवार को जो है ना हमारे यहाँ बच्चों की छठी नहीं बनाई जाती है। इसीलिए मैं रविवार के दिन कृष्ण छठी इस बार मैं बनाने वाली हूँ। आपको कृष्ण छठी के दिन क्या क्या करना होता है सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले भगवान की जो है ना इन 6 दिनों में आपको घी से मालिश करनी होती है। तो सुबह आपको स्नान करना है और स्नान करने के बाद घी से भगवान की जो है ना अच्छे से आपको मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथों से। जैसे हमारे घर में बच्चा होता है तो हम उसकी रोज़ मालिश करते हैं। हमारे घर में तो ये रिवाज है कि 1.25 महीने तक बच्चों की मालिश की जाती है। वो तो जरूरी जरूरी होती है, वैसे तो 1.5 साल तक चलती है मालिश बच्चों की। और हमें भी अपने भगवान की तो जो है ना रोज मालिश तो जो है ना जरूर करनी चाहिए, लेकिन छठी वाले दिन आप खासकर घी से मसाज जरूर करें। तो यहाँ पर मैंने अपने भगवान की घी से बढ़िया से मालिश कर दी है। इसके बाद छठी पर जो है ना भगवान के लिए कुछ सामान लाया जाता है, जैसे कि ये देखिए, ये है कमरबंद, इसे नजरिया बोलते हैं। तो ये कमरबंद आता है, इसमें हाथों के भी आते हैं और इसमें गले की तबजिया आती है, जिसे हाय की पुतैया भी बोलते हैं एक सिंपल सी भाषा में। तो आपको जो है ना ये सारा सामान मार्केट में मिल जाएगा। अगर बाय चांस मार्केट में नहीं मिलता है तो जहाँ पर मंगलसूत्र पोए जाते हैं ना काले मोतियों में, वहाँ पर ये सारा सामान आप बनवा भी सकते हो। उनको बोल दीजिए कि काले धागों में काले और सफ़ेद मोतियों की कमरबंद बनवाना है और गले का बनवाना है, हाथ का बनवाना है। क्योंकि नजरिए का मतलब मैं आपको बताऊं क्या होता है, काले मोती की माला बच्चे को अपने हाथ में पहनाना, वो इसीलिए पहनाई जाती है ताकि हमारे गोपाल जी को किसी की नजर ना लगे। तो नजरिया का मतलब यही होता है कि किसी की नजर जो है ना हमारे बच्चे को ना लगे, इसलिए नजरिया पहनाए जाते हैं। इसके बाद छठी के दिन भगवान को नई पोशाक पहनाई जाती है। तो वृंदावन से खूब सारी शॉपिंग मैंने इसीलिए की थी ताकि अपने भगवान को अच्छी अच्छी पोशाकें मैं पहना सकूँ। अब मैं यहाँ पर जो है ना घी का दीपक जला दूंगी, क्योंकि हम ये साधारण छठी नहीं मना रहे हैं, हम बना रहे हैं भगवान की छठी। तो भगवान की छठी में जो है ना सभी देवी देवताओं का आना बहुत जरूरी है। ये साधारण छठी नहीं है, हमारे बच्चों की छठी जो है ना वो साधारण हो सकती है, लेकिन ये प्रभु की छठी है। तो इसमें आप दीपक जरूर जलाएं। तो यहाँ पर जो है ना भगवान के दाहिनी ओर मैं दीपक का पूजन करूंगी और यहाँ पर मैं दीपक को जला लूंगी। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर आप दीपक का पूजन कर लें। इसके बाद आपको एक बड़े से बर्तन में गाय का दूध लेना है। आपके लड्डू गोपाल जितने बड़े हैं उससे बड़ा बर्तन आपको लेना है। हमारे लड्डू गोपाल तो बहुत छोटे से हैं, तो मैंने एक कांसे का बर्तन लिया है। भगवान की पूजा में कांसा, पीतल, तामा ये सारी चीज़ें बहुत सो होती हैं, लेकिन दूध को तामे में नहीं रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे कांसे का प्रयोग किया है। भगवान को जब आप इस दूध में डुबकी लगाएं तो उनके सिर से जो है ना आपको हाथ ज़रूर लगाना है। जैसे कि आपको याद आया होगा कि जब आपके बच्चे को भी स्नान करवाया जाता था तो उसके सिर जो है ना बच्चों का बहुत नाजुक होता है, तो वो सिर से जो है ना हाथ लगाया जाता है। और भगवान की पूजा यानी लड्डू गोपाल की पूजा पूरी भाव की पूजा है। तो वही भाव आपको मन में रखना है कि आप अपने बच्चे को जो है ना दूध में डुबकी लगवा रहे हैं। तो 60 डुबकी जो है ना इस तरह से आपको लगवानी है। तो मैंने यहाँ पे 60 डुबकी दूध में जो है ना अपने लड्डू गोपाल को लगवा दी है और ये दूध जो है ना मैं रख दूंगी साइड में। बाद में इस दूध का क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको क्या करना है, भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाना है, क्योंकि हम अपने बच्चे को भी दूध में डुबकी लगवाने के बाद जो है ना शुद्ध जल से ही स्नान करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है और इस तरह से जो है ना शुद्ध जल से आप बढ़िया से स्नान करवाएं। कहीं भी जो है ना दूध वगैरह लगा नहीं रहना चाहिए। तो मैं अच्छे से स्नान करवा दूँगी और स्नान करवाने के बाद जो है ना भगवान का करूँगी मैं अंग पोषण।
स्नान के जो जल का पानी है वो भी मैं इस दूध में डाल दूंगी। और इस दूध की आप चाय बना सकते हैं, इस दूध की आप किसी अपने बच्चे को इस दूध को पीने के लिए भी दे सकते हैं, और इस दूध का जो है ना आप अपने घर में कुछ खाने पीने के लिए बना सकते हैं। लेकिन इस दूध का भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये भगवान के स्नान का जल है। तो आप इसे खाने पीने में प्रयोग कर लें आप जिस तरह से इसको प्रयोग करना चाहते हैं। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर भगवान को लगा रही हूँ इत्र। लगाने के पश्चात मैं यहाँ पर भगवान को नजरिया पहनाऊंगी। तो हाथों के छोटे छोटे मैंने कंगन पहना दिए हैं, ये है देखिए कमरबंद, तो इसे जो है ना जरूर पहनाया जाता है। वैसे तो रिवाज होता है कि बच्चे की बुआ या बच्चे के मामा के यहाँ से ये सारा सामान आता है, लेकिन भगवान का जो भी साज सिंगार का जो भी सामान होता है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ला सकते हैं। अगर आपके मायके से या आपकी ननंद लाने वाली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना लाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने खुद के पैसों से भी ये सारा सामान ज़रूर लेकर आएँ भगवान के लिए। इससे भगवान को जो है ना कभी किसी की नज़र नहीं लगती, मतलब हाय नहीं लगती। वैसे भगवान को नज़र लगाने वाला कौन ऐसा उत्पन्न हुआ है, कोई नहीं लगा सकता भगवान को नज़र। फिर भी ये बस वो एक जो है ना एक हाय सिहाय लग जाती है, मतलब एक माँ की नज़र भी अपने बच्चे को लगती है, तो बस ही हाय जो है ना लगने का डर रहता है, इसलिए करना चाहिए। दूध का मैंने आपको बता दिया है, दूध का आप कुछ भी खाने पीने का बना सकते हैं, लेकिन इसका भोग जो है ना नहीं लगाया जाएगा। इसके पश्चात आपको जो है ना चंदन से तिलक कर दिया है, फूल भी चढ़ा दिए हैं। इसके बाद जो है ना आपको एक कांसे का कोई बर्तन लेना है, क्योंकि इस बर्तन में हम भगवान के लिए काजल पारेंगे, और काजल पारने के लिए हमेशा इस तांबे के बर्तन का ही प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ तो आज भी ऐसा रिवाज है कि जब भी कोई बर्तन बच्चा जन्म लेता है घर में तो उसे कांसे की थाली या कांसे के कटोरे में जो है ना उसके लिए काजल पारा जाता है। तो यहाँ पर मैंने काजल पार लिया है, और अनामिका उंगली जो आपकी जिसमें आप रिंग पहनते हैं जब आपकी सगाई होती है, तो उस उंगली से आपको भगवान की सीधी आंख में सबसे पहले आपको काजल लगाना है, उसके बाद डेढ़ी आंख में लगाएं, उसके बाद उनके हाथों पर काजल लगाना है। जैसे कि आपको याद होगा शायद कि हमारे जब हमारे हम छोटे थे या हमारे भाई बहनों को तो हमने देखा ही होगा कि हमारी मम्मी जो है ना उनके हाथों पर जो है ना काली काली बिंदिया लगाती थी, और जब हम पूछते थे मम्मी ये क्या है तो बोलती थी कि पैसे दिए हैं। तो बस वही दो छोटी छोटी सी बिंदिया लगानी है, कान के पीछे आपको काजल लगाना है, और पैरों में भी इस तरह से आपको बिंदी लगानी है। ये इसीलिए लगाई जाती है कि इससे बच्चों को नज़र नहीं लगती। ये जो छोटे छोटे से रीति रिवाज जो हमें अपने पूर्वजों के से देखने के लिए मिले हैं ना, ये हमारी पहचान है। वैसे तो देखिए ये तो प्रभु हैं, पूरे जगत के कर्ता धर्ता हैं, इनकी हम ना तो नजर उतार सकते हैं ना इनको काजल लगाने लायक, मतलब इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम इनको काजल लगा सके। बस एक भाव है इनके प्रति हमारा, जो बस वो भाव जो है ना इन सारी चीजों से हम दर्शाते हैं। इसके बाद जो है ना नजर उतारेंगे हम। वैसे आज भगवान की छठी है, जब हमारे बच्चे की भी छठी होती है तो उसकी नजर उतारी जाती है। तो भगवान की नजर उतारने का सबसे अच्छा तरीका है शंख अर्गा, जिसे अर्गा बोलते हैं, नज़र उतारने वाला अर्गा आता है ये। तो अगर आपके पास है तो आप इस तरह से नज़र ज़रूर उतारें, तीन बार उतार कर आसपास भगवान के जल डाला जाता है। अगर आपके पास अर्गा नहीं है तो आप लोटे में जल भर के भी भगवान की नज़र उतार सकते हैं। इसके बाद मोर पंख से भी जो है ना भगवान की नज़र उतारी जाती है। तो इस तरह से आपको 5-7 बार मोर पंख भगवान के दाएँ बाएँ इस तरह से घुमाना है, इससे भी नज़र उतर जाती है। इसके बाद भोग लगाया जाता है। भगवान को जो है ना कढ़ी चावल बहुत प्रिय है, हमारे लड्डू गोपाल के तो कढ़ी चावल फेवरेट है। तो यहाँ पर छठी के दिन जो है ना कढ़ी चावल घी बूरा और पापड़ मैंने रख दिए हैं, क्योंकि कढ़ी चावल जो है ना पापड़ के बिना थोड़े से अधूरे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से मैंने भोग लगा दिया है। भोग में मैंने तुलसी दल आपको ज़रूर डालना है, जल जरूर रखना है, क्योंकि भोजन के बाद जो है ना प्यास लगती है।
भगवान की छठी पूजा शाम के समय की जाती है, तो शाम को ही आपको भगवान को भोग लगाना है, उन्हें तैयार करना है। और ये जो भी पूजा में मैंने आपको सब कुछ दिखाया है, ये सब कुछ आपको शाम के समय ही करना है। इसके बाद इस भोजन को, जो हमने भगवान की भोग की थाली है, इसे आप पूरे घर के जो खाना है उसमें आप मिला लें और सभी लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आज के जो कड़ी चावल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, क्योंकि ये भगवान के छठी के कड़ी चावल हैं, तो बहुत मतलब बढ़िया लगते हैं, टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती तो आप सबको पता है, लड्डू गोपाल की आरती ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सबको आती है आरती। इसके बाद मैंने जल का अर्घ दे दिया है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने के लिए मिला है, कुछ भी इस वीडियो में थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और भगवान की पूजा हम कभी परफेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, ये सत्य है। बस हमारे जो भाव होते हैं, बस वही भाव जो है ना हम भगवान के सामने व्यक्त करते हैं, तो बस वही भाव मैंने आपके इस वीडियो के तहत मैंने व्यक्त करके बताए हैं। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।